नमस्कार, आप देख रहे हैं आर ए न्यूज। अब महिलाएं बजा रही है पुरुषों की बैंड। जी हां, चौंकिए नहीं, आम तौर पर पुरुषों के द्वारा बजाए जाने वाला बैंड अब महिलाएं बजा रही हैं। सरगम बैंड के नाम से महिलाओं ने अपनी बैंड पार्टी बनाई। सबसे खास बात यह है कि इसमें बजाने वाली सभी महिलाएं दलित परिवार से हैं। बैंड बजाती इन महिलाओं को देख कोई नहीं कह सकता कि ये महिलाएं खेतों में मजदूरी का काम करती होगी। बैंड बजाना सीखना के लिए सबसे पहले प्रयास की नारी गुंजर संस्थान की पद्मश्री सुधा वर्गीस ने। दानापुर के जमसौत पंचायत के ढेबड़ा गांव में कुछ महादलित महिलाओं से बात कर बैंड बजाना सीखने की प्रक्रिया शुरू की गई। अगस्त 2012 में जब बैंड बजाना सीखना शुरू हुआ, उस समय बैंड में कुल 12 सदस्य थी, मगर बाद में 7 ही सदस्य रह गई। पटना सिटी से बैंड बजाना सिखाने के लिए बैंड मास्टर आदि गुंजन कुमार आते थे। तकरीबन 6 महीने के अथक प्रयासों के बाद इन्हें बैंड बजाना आया। बाद में महिला बैंड कौन बनेगा करोड़पति के अलावे मुंबई, दिल्ली, पटना के मौर्य होटल, चाणक्य होटल के अलावे अन्य जगहों पर भी अपने बैंडों का हुनर दिखा चुकी है। शादी विवाह में भी ये महिलाएं बैंड बजाती हैं। खेत से बैंड बजाने तक का ये सफर उन महिलाओं के लिए आसान नहीं था। बहुत दूर दूर बजाई हैं, केबीसी में बजाई है, दिल्ली में बजाई हैं, मौर्य होटल बजाई हैं, जनकिया होटल बजाई हैं, बहुत जगह बजाई हैं। हमको बैंड बजाने में इतना पहले मैंने कि लगता था कि ये सब हमसे नहीं होगा, फिर भी हम लोग हिम्मत किए, सशक्त हुए और बोले कि नहीं। हमारे दीदी सुधा वर्गीस जी पूछे कि हाँ ये बैंड बजाने के लिए चाहती हैं, हम बोले कि हाँ दीदी क्यों नहीं, आज के डेट में क्यों नहीं, हर काम कर सकती हैं महिला, हम भी करेंगे। सब चीज़ के लिए लोग गांधी मैदान में अगस्त 15 जनवरी 26 के लिए लोगों को बुलाया था, बजाए हैं। कई बैंड का स्थापना दिवस पर इन लोगों ने, शादी विवाह के मौके पर, शादी विवाह का मौके पर जबरदस्त इन लोगों को साटा है। बुकिंग होती है इन लोग जाते हैं शादी वादी में एकदम। और इधर शिवरात्रि में हम, मैं ये बात भी बोलना चाहती हूँ, मैं दूसरा मेरा एक बैंड तैयार हो रहा है वो पुनपुन से है, तो उन लोगों को निमंत्रण मिला था शिवरात्रि में बजाने के लिए। महिलाएं की बैंड है? हाँ, मेरा दूसरा बैंड किया है अभी।